सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस समय ठंडी का मौसम चल रहा है, रोज की तरह आज भी ठंडी बहुत ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसके पहले मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाया था, नहीं मैंने कभी कभी ब्लॉगिंग की, तो कुछ आइडिया नहीं मिला था कि आज करे तो करे क्या। फिर दोस्तों आज याद आया कि आज ठंडी का मौसम तो है ही है, उसके बाद आज मंगलवार का दिन है, तो आज मंगलवार के दिन दोस्तों सब लोग हमारे यहाँ जाते हैं। एक धार्मिक स्थल है गढ़वारी बाबा की मंदिर, जो जौनपुर में उत्तीगंज मार्केट के नियर में पड़ता है, वहीं सब लोग दर्शन करने जाते हैं। तो हमने सोचा आज वहीं दर्शन करें और आप लोगों को भी दर्शन कराएं, साथ में आप लोग भी जुड़े दर्शन करें। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग जुड़े रहें, फटाफट वहाँ का अद्भुत नज़ारा आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, बिना देर के हुए चलते हैं, अब हम भी तैयार होते हैं, फिर आपको लेकर चलते हैं वहाँ से आगे। ठीक है दोस्तों, ओके। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग तैयार हो चुके हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोलू भैया, गोलू पहलवान भैया जी। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग निकलते हैं और इस समय इतनी ज्यादा ठंडी पड़ रही है कि हाथ काम नहीं कर रहा है। बाइक भैया कैसे चला रहे मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मुझे चलाना होगा तो मैं नहीं चला पाएगा भाई। चलो दोस्तों देर न करते हुए आज हम लोग काफ़ी भीड़ लेट आए, इसलिए भीड़ कम है प्रभु जी के यहाँ। बाकी देख रहे हैं आप दादाजी कितनी सेवा कर रहे हैं, कैसे खड़ा है। यहाँ पहलवान लोग बाजते हैं, यहाँ पे पहलवानों को ट्रेनिंग दी जाती है कुश्ती की, दंगल के लिए। यहाँ पे बजरंगबली का मंदिर, यहाँ शिव जी को मानते हैं सब, यहाँ मेन बाबा जी का जो पावन स्थल है मेन यहाँ पे अंदर है। यही फिर से दिखा देते हैं दोस्तों आपको बाहर से, ये वो रहे हैं बाबा जी। दोस्तों ये है शिव जी, यहाँ शंकर भगवान की पूजा की जाती है। ओ, तेरे काम की चीज नहीं यहाँ पे, तू जा भी। बगल में बजरंगबली जी हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दर्शन करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ की मंदिर के साथ साथ एक और बहुत ही प्रसिद्ध बहुत ही फेमस जगह है जो कि बाबा जी का अखाड़ा है जो मेरे पीछे दिख रहा है आप लोगों को। तो इस अखाड़े के बारे में हम ढेर सारी जानकारियां थोड़ा सा भैया पहलवान भैया जी से इकट्ठा करेंगे फिर देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों दंगल मतलब कि बोले तो पहलवानों को तैयार किया जाता है कुश्ती के लिए आगे स्टेट लेवल पे और हाई लेवल पे लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। आगे भागते हैं हम पहलवान भैया से भी करते हैं ठीक है दोस्तों। तो पहलवान भैया ये अखाड़े में जैसे कितने लोग लगभग सुबह आ जाते हैं? जैसे यहाँ पर सुबह लगभग इस समय ठंडी पड़ रही है तो ठंडी में लगभग 6 बज जाता है आने में पहलवान को। यहाँ पर 6 बजे तक आ जाते हैं पहलवान, 8 से 10 पहलवान रहते हैं, उसके बाद उस्ताद आते हैं, सीनियर उस्ताद हैं सब। अच्छा यहाँ से लगभग कितने लोग ऐसा मस्त जो दंगल उंगल बढ़िया कुश्ती करके कहीं कहीं अच्छे अच्छे सरकारी कामों में या कहीं कोई पोस्ट पे गए हैं? हाँ बहुत पोस्ट पे गए हैं। जैसे यहाँ पे दंगल के लिए तो मतलब हर छोटे बड़े बच्चे सभी लोग जाते हैं दंगल में। दंगल तो वार्षिक में लगता है। उसके बाद जो यहाँ तैयारी करता है अच्छी उसके तैयारी करने के बाद जाता है क्रिकेट खेलता है नेशनल खेलता है उसके बाद नेशनल जब उसको मार्कशीट मिलती है जब उसको पार्टिसिपेट करता है। अच्छा ठीक है जाने के बाद उसे परम ये चीज और बताइए यहाँ की माटी में क्या खासियत है? यहाँ ये माटी जो है इसमें हर चीज मिलाई जाती है जैसे सरसों का तेल डाला जाता है, हल्दी डाली जाती है, घी डाला जाता है, दही डाली जाती है, दूध डाला जाता है। स्थान को अच्छे से एक्सप्लोर किया और इंजॉय किया और साथ साथ आपको यहाँ के सभी फुटेज को शेयर किया। आई होप दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आए होगा। और दोस्तों इस ठंडी में अब क्या चाहिए आपको, घर बैठे बैठे बाबा जी का दर्शन करा दिए हम लोगों ने। हम लोग थोड़ा ठंडी में थोड़ा परेशान हुए दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, काफ़ी परेशानी हुई। तो दोस्तों अगर आप चैनल नए तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, दोस्तों शेयर भी जरूर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ दोस्तों एक बात और करनी थी, अगर आप दोस्तों कोई जौनपुर से हैं तो इस पावन स्थान में जरूर आइए, प्रभु जी के दर्शन कीजिए। कितना अद्भुत नज़ारा है यहाँ, देखें कितना शांति कितना अच्छा महसूस होता है दोस्तों। मैं तो दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अभी इसके बाद दोस्तों थंबनेल बनाना है, एडिटिंग करना है, फिर अपलोडिंग करना है, काफ़ी मेहनत काफ़ी कड़ी मेहनत होती है। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके आज के लिए इतना ही, काफ़ी जय हिंद जय भारत दोस्तों।